हेलो फ्रेंड्स, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सुना है कभी? हिंदी में सुना होगा या हमारे बुजुर्गों ने डायलॉग मारा होगा, ठीक है। पर टेंशन मत लो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एग्जाम पास आ चुके हैं, टेंशन होगी पेपर किस तरीके से करें, या कुछ लोग एक्सपर्ट होंगे, या कुछ लोगों को ऐसा होगा यार फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्या होगा, अब सारी दिन में तारे नजर आ रहे होंगे। टेंशन मत लो, अभी आपके लिए मैथमेटिक्स का ब्रह्मास्त्र लाया हूं मैं, ठीक है। अगर इस तरीके को फॉलो करोगे 100%, बट कंडीशन ये है कि वीडियो लास्ट तक देखना, आधे में स्किप करके मत जाना, तभी ये ब्रह्मास्त्र काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्या है, समझना मेरी पूरी बात को, 2 से 3 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाने वाली। सबसे पहली बात, एग्जाम में जब आपको पेपर मिले तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, और पहला पॉइंट है जो रीडिंग सेक्शन है उसको पेपर को अच्छे से रीड करें। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको पेपर जो है उसको रीड करना है, रीड केयरफुली, ठीक है ना। पेपर को आपको अच्छे से रीड करना है, पेपर का मतलब क्वेश्चन को अच्छे से आपने रीड किया, केयरफुली द क्वेश्चंस। भाई इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट जो समझा रहा हूँ वो जरूर समझ लेना, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, जिस क्वेश्चन में आपका दिमाग ही नहीं चलता कि आउट ऑफ कोर्स आ गया आपके अकॉर्डिंग, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग नहीं, उसके लिए तो सब बुक के अंदर से है, जो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग आउट ऑफ माइंड जा रहा है, मतलब दिमाग में जा ही नहीं रहा, उस पर आपको लगाना है क्रॉस। कैसे, ऐसे क्रॉस, क्वेश्चन नंबर के आगे, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा तो उस पर लगाएंगे साइड में क्रॉस, ठीक है। सेकंड, जो क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन क्वेश्चंस जो है उनमें आप लगाएंगे क्वेश्चन के आगे छोटा सा राउंड, इस तरीके से गोला नजर आ रहा है ना, छोटा सा गोला। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उसके आगे छोटा सा गोला लगा दीजिएगा, ये 50 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, ठीक है, गोला लगा दिया, पेंसिल यूज कीजिएगा। एग्जाम में कुछ लोग कहेंगे सर पेन तो अगर कुछ तो पेपर में चला नहीं सकते, कोई बात नहीं, पेंसिल यूज कीजिए, ये आपकी अपनी प्लानिंग है। नेक्स्ट, अब वो क्वेश्चन बच रहे हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, मतलब आपके उस पेपर की 3 कैटेगरी होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देयर आर 3 कैटेगरीज। एक क्वेश्चन, एक कैटेगरी वो ही जिसपे आपने कोई निशान नहीं लगाया, निशान बोले तो कोई साइन नहीं बनाया, निशान नहीं लगाया, ठीक है। एक कैटेगरी होगी जिसपे आपने क्रॉस लगाया, एक कैटेगरी होगी जिसपे आपने ऐसा राउंड लगाया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पेपर प्लानिंग ये है कि पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जिन पे आपने कोई निशान नहीं लगाया है, नाउ लिसन केयरफुली, पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिन पे आपने कोई साइन नहीं लगाया है, कोई निशान नहीं लगाया, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जब तक नहीं हो जाए तब तक आपको ना इस क्रॉस वाले को देखना है, ना ही आपको इस कंफ्यूजन राउंड वाले को देखना है, ये बात ध्यान से गांठ बांध लीजिए। तब तक आप ना को क्रॉस वाले को देखोगे ना ही इस राउंड वाले को देखोगे, क्योंकि बीच में हमारी आदत होती है कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और जो नहीं आया उसको हम देखना चालू करते हैं, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। कोई निशान नहीं लगाया उसको आपने अच्छे से कर लिया, ये हो गया, रिलैक्स हो गए, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें फॉर्मूले वगैरह दिमाग में थी उसमें हमने यूज कर लिया, माइंड बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाएगा। फिर आप सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चन को जिसमें आपको कंफ्यूजन था, राउंड वाले उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, लिसन टू मी, उन क्वेश्चन को आपको करना है जिनमें आपको कंफ्यूजन था, थोड़ा बहुत नहीं याद आ रहा था, थोड़ा बहुत याद आ रहा था, इस समय इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको कंप्लीटली याद आ जाएंगे, उनको सोल्व कर लेंगे। फिर भी जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं जितना याद आए उतना कीजिए, उसके आगे बढ़ जाइए। आखिरी में लास्ट, ये बिकॉज ये आपके आउट ऑफ कोर्स था, आपके अकॉर्डिंग आउट ऑफ माइंड जिसको आपने बोला उनको कीजिएगा। इसमें अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो सीधा सा फंडा है, क्या करोगे, गिवन टू फाइंड, ओके ये अपना ब्रह्मास्त्र हुआ, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन या प्रूफ है तो प्रूफ, ये 3 पॉइंट्स बनाना है इसके अंदर, और बना के जो भी लास्ट में सॉल्यूशन में जो भी फॉर्मूला याद आ रहा है या फिर उससे कोई डायग्राम याद आ रहा है, कुछ भी जो याद आता है उससे रिलेटेड, वो लिख के आप उसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, और 100% मैं गारंटी लेता हूं, पूरी गारंटी के साथ, ये कहीं किसी बुक में पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराया हुआ है और इस मेथड को उन्होंने फॉलो किया हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और उन्हीं के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ये ब्रह्मास्त्र जो आपको बता रहा हूं वो
यहां पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आई एम श्योर इस तरीके से अगर आप पेपर की प्रैक्टिस करेंगे या फिर एग्जाम में अगर पेपर करेंगे, प्री बोर्ड्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कीजिए, 100% आप रिलैक्स भी होंगे, माइंड में कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसे होने के बाद, करने के बाद एक दो पेपर आप मॉक पेपर अगर दे रहे हैं तो ऐसी प्रैक्टिस करके और मुझे बताइए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्या ये मेथड आपको फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। और एग्जाम से पहले अगर देख रहे हैं, एग्जाम के बाद वापस पेपर करके आए तो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, पर जरूर बताइएगा। अगर इसमें कहीं कुछ कमी है तो इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं इसमें कोई कमी नहीं है और 100% आप स्कोर करेंगे। ओके, क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, प्रैक्टिस चालू कीजिए, आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और स्कोर भी बहुत अच्छा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।